जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर सातवें स्कंद का नौवां अध्याय सुना रही हूँ। श्री नरसिंह भगवान के कोप निवारण हेत लाकेश्वर विनती करन रमा समीप संकेत। राज तिलक प्रहलाद को क्यों सुमरण विधि जोन, निज निज पूजा पाई सुर गए अपने भोन। सुने नारद जी कहने लगे, हे राजा युधिष्ठर, समस्त देवादि गण भगवान नरसिंह की स्तुति गान दूर से ही करते रहे, कारण कि वे दानव हिरण्यकश्यप का संहार करने पर भी प्राय क्रोध स्वरूप को ही धारण किए हुए थे और अभी तक भी पूर्णतया वेग के कारण शांति प्राप्त नहीं हुई थी। प्रहलाद जी ने उनके क्रोध निवारण के लिए तथा सबों को मनमोहिनी मूर्ति के दिखाने के लिए दिव्य स्तुति की। देवतागण साक्षात ही महारानी लक्ष्मी जी के समीप जाकर स्तुति करते हुए भगवान के संतुष्ट करने के लिए अनेक प्रार्थना करने लगे, किंतु वे भी भयभीत हुए, उनके समीप न पहुंच सकी। देवगण मन ही मन में कंपित हो ही रहे थे। श्री पितामह ब्रह्मा जी के कथनानुसार प्रहलाद जी ने पुनः भगवान के चरण कमलों में गिर कर प्रार्थना की, जिससे श्री नरसिंह भगवान प्रसन्न हो गए और सबों को मनमोहिनी मूर्ति का दर्शन देने लगे। श्री लक्ष्मी जी उस समय श्री नरसिंह जी की अलौकिक छवि को निहार कर मोहित हो गई। दयालु श्री नरसिंह भगवान भक्त शिरोमणि प्रहलाद की स्तुति से दया की धारा में प्रवाहित होने लगे। इन्होंने बड़े दुलार के साथ अपना हाथ प्रहलाद के सिर पर फेरा, जैसे प्रहलाद और भी तातु ज्ञानी दर्शी हो गए। प्रसन्न हुए भगवान नरसिंह देव जी प्रहलाद से बोले, हे वत्स, तुम्हारा सदैव मंगल हो, तुम्हारी भक्ति पर परम प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे वर प्राप्त करो, मुझसे तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। मैं भक्तों के अधीन हूँ और मेरे भक्त मेरे अधीन हैं। नारद जी बोले, हे राजन, प्रहलाद तो पहले ही से निष्काम भक्त थे, वे वर की फिर क्या इच्छा करने लगे, वे तो केवल हरि भक्ति के भूखे थे। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव, बम भोले। नौवां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। दसवां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। अगर आपको इस चैनल पर पूरी सुख सागर सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।